झालावाड़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने शनिवार शाम को हत्या के एक बहुचर्चित मामले में निर्णय सुनाते हुए महिला की नृशंस हत्या के आरोपी रामेश्वर उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान न्यायाधीश कौशिक ने उसे अर्थदंड से दंडित किया। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने बताया कि 20 जनवरी 2020 की रात को ज्वालरापाटन के ग्रोथ सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक स्टोन फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक राधेश्याम मेघवाल की पत्नी सोनाबाई की एक ट्रक चालक ने लूट की नीयत से लोहे के सरिये से हमला कर बेरहमी से नृशंस हत्या कर दी थी और महिला के टॉप्स मंगलसूत्र सहित स्वर्ण आभूषण लूट कर ले गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। इसमें करीब 3 वर्ष बाद माननीय न्यायालय ने 24 गवाहों व 47 दस्तावेजों के आधार पर जिला और सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामेश्वर और छोटू निवासी कलोतया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश आदरणीय श्री केशव जी कौशिक साहब ने रामेश्वर छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके ऊपर ये मैं इसका सा था कि सोनाबाई का पति जब गोबर बीनने गया हुआ था तब इसने पीछे से आकर के उसकी जो है हत्या कर दी सोनाबाई की, और उसके बाद उसके ऑर्नामेंट्स जो भी थे कान में गले में वो सब छीन करके ले गया। उस मामले में 24 गवाह जो है मौखिक साक्ष्य के रूप में लेखबद्ध हुए और 47 जो है दस्तावेज पेश हुए।